जय श्री माता जी। विश्व के सभी साधकों का आज सुबह के ध्यान सत्र में हार्दिक स्वागत है। कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं। तीन महामंत्र तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र। श्री निर्मला देवी।
अपने चित्त को सहस्त्रार पर स्थित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर सामूहिकता के सहस्त्रार पर आप विराजिए। सामूहिकता का अहंकार और प्रति अहंकार आपके श्री चरणों में समर्पित है। कृपा कर आप हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए माँ। कुछ समय हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं। चित्त को सहस्त्रार में स्थित करते हुए हम अमृतवाणी ग्रहण करते हैं। आज यहाँ पर हम लोग शिव जी की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और ये पूजा एक बहुत बड़ी विशेष पूजा है, क्योंकि मानव का अंतिम लक्ष्य यही है कि वो शिव तत्व को प्राप्त करे। शिव तत्व बुद्धि से परे, उसको बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। जब तक आप आत्म साक्षात्कार नहीं होते,
जब तक आपने अपने आत्मा को पहचाना नहीं, अपने को जाना नहीं, आप शिव तत्व को जान नहीं सकते। शिव जी के नाम पर बहुत ज्यादा आडंबर, अंधता और अंधश्रद्धा फैली हुई, किंतु जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार नहीं, वो शिव जी को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी प्रकृति इस प्रकार की है कि वो समझने के लिए सबसे पहले मनुष्य को उस स्थिति में पहुंचना चाहिए जहां पर सारे ही उदात, सारे ही महान तत्व अपने आप विराजित है। उनके लिए कहा जाता है कि वो भोले शंकर। आजकल बुद्धिवादी बहुत से निकल आए हैं संसार में और अपनी बुद्धि की उड़ान से जो चाहे वो पटाख दिखाकर, और फिर कहते कि ये शिवजी तो भोले हैं। किसी का भोला होना बुद्धिवादियों के हिसाब से तो एकदम ही बेकार चीज है। आजकल जितना आदमी चालाक और धूर्त होएगा वही बड़ा यशस्वी हो जाता। तो ये भोले शंकर, इनका भोलापन कैसे समझा जाए? आजकल के संसार में तो लोग सोचते हैं जो आदमी भोला होता है वो बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल बेवकूफ। लेकिन शिवजी का भोलापन ऐसा है कि जहां वो सब कुछ है, एक समझ लीजिए जरूरत से ज्यादा कोई बड़ा ही श्रीमंत रईस आदमी हो जाए और उसको विरक्त किया जाए और उसका लोग धन उठा के ले जाए, तो लोग कहेंगे अजीब भोला आदमी है, इसके लोग धन चुरा रहे और इस पर कोई असर ही नहीं। लेकिन जब वो विनती आ गई तो उस धन का उसको जब महात्म्य नहीं रहा तो अपने भोलेपन में बैठा है, उसी को भोलेपन क्यों पन का मन उठा रहा है। जब सब चीजें अपने आप हो ही रही है, सब जब कार्यान्वित ही है, तो शिव जी का उसमें अरे भाग क्या रह जाए कि वो भोलेपन से सब देखते रहे, कि वो साक्षी सुख होकर के शक्ति का कार्य देखते रहे। शक्ति ने सारी सृष्टि रचाई और शक्ति ने ही सारे देव देवताएं बनाए और उनके सारे कार्य बना दिए, उनकी नियुक्ति हो गई। और अब शिवजी को क्या काम? शिवजी को बस देखना मात्र, और उनके देखने में ही सब कुछ आ जाता। उनके भोला पन का जो असर है वो ये है कि जिस पे उनकी दृष्टि पड़ जाए वही तर जाए, जिसके तरफ उनका चित्त चला जाए वही तर जाए। कुछ उनको करने की जरूरत ही नहीं है, उनके लिए सब खेल। जैसे बच्चों के लिए खेल होता है, सिर्फ परमात्मा के लिए भी ये सारा एक खेल है। वो देख रहे
भोलेपन में एक चीज और निहित है, जो भोला आदमी होता है, सत्यवादी होता है, अच्छाई से रहता है, वो जब देखता है कि कोई बहुत ही दुष्ट उनसे मुठभेड़ ले रहा है, तब उसको बड़े जोर से क्रोध आता है। भोले आदमी का क्रोध बहुत जबरदस्त होता है। चालाक आदमी होगा तो वो क्रोध को इधर उधर घुमा देगा, उसको कुछ ऐसा बना देगा कि उसकी प्रखर जो कुछ किरने हैं वो शांत हो। लेकिन भोला आदमी जो होता है वो हंसते ही रहता है, ये क्या मेरे ऊपर वार कर सकता है। ये शिव जी का जो गुण है वो हम सहयोगियों में आना जरूरी। इस वक्त हम छोटी छोटी बातों को अभी समझते रहते हैं। सत्रह मरतबा सोचें इसके लिए क्या करना चाहिए, कहाँ के लिए क्या करना चाहिए, इसकी योजना कैसे करनी चाहिए, प्लान कैसे बनाने चाहिए, दुनिया भर की। जैसे शिव जी ने शक्ति पर सब छोड़ दिया है, आप लोग भी सब कुछ शक्ति पर छोड़ सकते हैं। लेकिन वो भी फिर एक स्थिति आनी चाहिए, वो भोलापन आपके अंदर आना चाहिए। इस भोलेपन का मतलब यह है कि किसी तरह की नेगेटिविटी आपके अंदर आ ही नहीं सकती। इसीलिए आप बोले हैं कोई चीज आपको छू ही नहीं सकती, तो आप बोले विचार में परेशान क्यों है, सांप लौट रहा है तो सांप को लौटे, जहर पीना तो जहर पी ले। होना क्या है, जो बिल्कुल विशुद्ध है इसमें कोई भी चीज का असर ही नहीं आ सकता, जो समर्थ है इसकी शक्तियां स्वयं ही उसकी रक्षा करें, उसका प्रभाव क्या करें क्या करें। ये शक्ति हमारे अंदर शिव तत्व से आती है, किंतु शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए पहले आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। कुंडलिनी जो है वो शक्ति है और चक्र जो है ये सीढ़ियां, इन सब सीढ़ियों से चढ़ के आखिर प्राप्त एक ही करना है, वो है शिव तत्व। सारे देव देवताओं को इसी में एक संलग्नता है, इसी में एक विचार है कि आप सबको शिव तत्व पे पहुंचा दें, ये उनका कार्य है। और वो उस कार्य में पूरी तरह से लगे हुए, वो ये नहीं पूछते इसमें हमारा क्या होगा, हमारी स्थिति क्या, हमारी पोजीशन क्या, अब कहां बैठे हैं, मनुष्य के जैसे नहीं सोचते। वो अंग प्रत्यंग उस शिव के ही है और शिव तक मनुष्य को पहुंचाने के लिए कार्य तत्पर रहना उनका स्वभाव है। अब उनको कुछ लेक्चर देने की जरूरत नहीं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं, उनके जो काम है वो बंधे हुए हैं, वो अपने काम पूरी तरह से कर रहे और उसमें बंद गए। अब उनका जो वो काम है वो भी एक अकर्म सा है, वो भी एक अकर्म है, वो सोचते नहीं कि हम कुछ काम कर रहे। जैसे ये प्रकाश आप कोई बिजली से आ रहा है और उसमें जड़ होने के कारण कोई शक्ति नहीं कि वो सोचे,
और क्योंकि ये सब देवता लोग ये विचारिता में बैठे हुए, ये भी कुछ सोचते हैं और जानते भी नहीं कि उनमें क्या शक्ति है। जैसे कि खाने की चीनी है, शुगर है, साकर, वो सब मिठास दे, वो नहीं जानती कि उसके अंदर मिठास है। इसी प्रकार सहयोगी जब कार्यरत होते हैं तो वो ये नहीं जानते कि हमारे अंदर ये शक्ति है इसलिए हम कार्यरत, बस हम हैं कार्य। जिस वक्त आप लोगों के दिमाग में बात आए कि हमने ये कार्य किया, हमने वो कार्य किया, हम लीडर हो गए, हम ये हो गए, तब सोचना चाहिए कि आप सहयोगी नहीं। सहयोग में मनुष्य अकर्म में आ जाता, वो करते रहता है, दिखने को लगता है कि ये कर्म कर रहा है पर उसको ज्ञान नहीं होता कि वो कुछ कर्म कर रहा है। उसका प्यार, उसको मालूम नहीं होता कि वो प्यार कर रहा है पर लोग जानते हैं वो बहुत प्यार कर रहा है। इस प्रकार हमें समझ लेना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार एक है, आप स्वयं जो है सो, और आप अपने को शीशे में देख रहे हैं, वो आपका प्रतिबिंब है, आप हैं और आप शीशे में देख रहे हैं, वो एक प्रतिबिंब है और उस प्रतिबिंब को देखने की जो क्रिया है, देखना मात्र जो है, एक इसी चीज है। इस प्रकार आप तीन दायरे में घूम रहे हैं, एक तो आप देखने वाले, एक जो आपको दिखाई दे रहा है और जो देखने के लिए, ये तीनों ही चीज खत्म हो सकती। कैसे? इधर आप ही शीशा बने, आप ही अपना आईना बन गए, फिर आप अपने को देखने लगे, आप अपने को जाने लगे। यही तुकाराम ने कहा कि जब आपने अपने को जान लिया फिर और जानने की जरूरत क्या? तब ये तीन नारे टूट करके आप स्वयं में स्थिर हो गए। यही स्थिरता जब पूरी तरह से बन जाती है तब कहना चाहिए कि शिव तत्व स्थिर है, क्योंकि शिव तत्व अटूट है, अटल है। इस शिव तत्व में जब आप बैठ जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ कर रहे हैं, आप अपने में समा रहे हैं। फिर आप ये भी नहीं खोजते हैं कि मुझे कुछ और करना चाहिए, जैसे आजकल बहुत से लोग कहते हैं हम बोर हो गए, क्योंकि आप अपने को देख नहीं सकते, आप अपने साथ रह नहीं सकते। आप अपने साथ 5 मिनट बैठे तो आपके साथ बात खड़े हो जाए, और मेरे लिए तो अपने साथ बैठना सबसे बात। इस रस को आप प्राप्त करते हैं तब एक भोलापन आपके अंदर है। कोई कहेगा कि वो तुमको ठगा रहा है तो ठगा रहा है, वो तुमको मारने आ रहा तो आ, वो तुम्हारा ये बिगाड़े तो बिगाड़े, आगे होगा। अगर हम आत्मा है और जिसे कि कोई नष्ट नहीं कर सकता तब हमें कौन नष्ट कर सकता? किंतु ये विश्वास हमारे अंदर बैठना बड़ा मुश्किल। आत्म साक्षात्कार के बाद आप सहयोगी हो गए, लेकिन शिव योगी होने के लिए परम विश्वास
अब जैसे कोई साहब जा रहे हैं तो कहेंगे भाई वहां कर्फ्यू, हम कैसे जाएं? आप समझो, आज तक इस बंबई शहर में कोई भी सहयोगी को नुकसान नहीं, आप भूल गए, आप समझो आपके आगे पीछे देवदूत गण सब लगे, लेकिन जैसे ही आपका विश्वास उठा उपा गया जाओ मरो, और जब विश्वास बना रहा तो आप चले जा रहे, किसी को आप दिखाई भी नहीं देंगे, और जिनको दिखाई देंगे कोई पार हो जाएंगे। ऐसे नाना भी प्रश्न हमारे अंदर आते हैं, क्योंकि हम मानव है अभी, और तरह तरह की असुरक्षितता इनसिक्योरिटीज हमारे अंदर बनते, और उनकी वजह से हमारे विश्वास जो है टूटते जाते। दूसरी बात कि हमसे कोई गलतियां नहीं होती, ऐसी भी बात नहीं, कुछ गलतियां हो जाए, उस गलतियां होने के फलस्वरूप एक तरह का हमारे अंदर भय आता है। लेकिन शिव जी की विशेषता यह है कि वो क्षमाशील, क्षमा के सागर, आपके गलतियां तो भी कुछ नहीं, एक बार आप उसके दरवाजे में बैठे हैं तो क्षमा कर देते हैं आप पूरी तरह से, तब आपको भय क्यों हो? दूसरा वरदान उनका है निर्भयता, बिल्कुल निर्भय होना चाहिए, उनकी कोई सेना नहीं है। आपने तो जाना ही है कि जिस वक्त अपनी बारात लेके वो पहुंचे थे तो पार्वती जी को तो शर्म आ रही कि कोई एकाक्ष लेके पहुंचे, कोई लंगड़े, कोई पागल दिखने वाले हिप्पी जैसे लोग कुछ हुआ साथ में, अजीब सजीब लोगों को लेकर पहुंचे बारात। मतलब ये कि शारीरिक कुछ भी व्यंग हो और जनसाधारण के लिए ऐसे लोग कुछ विक्षिप्त से लगे और विचित्र से लगे, अवगढ़ लगे, लेकिन उनके अंदर शब्द, इसीलिए शिव के कोई भी प्रारंभ की जरूरत नहीं। उनके मंदिरों में कुछ सोने चांदी के चढ़ावे की जरूरत नहीं, मुक्त बैठ किसी भी चीज में ऐसी शक्ति नहीं कि उनकी शोभा बढ़ा, ऐसी कोई संसारिक दृष्टि से मूल्यवान कोई सी भी ऐसी वस्तु शिवजी के लायक नहीं। इस तत्व को हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। आज समाज में, संसार में अगर देखें तो पैसे का मूल्य जरूरत से ज्यादा है, हर आदमी पैसे का ही मूल्य देखता है, किस चीज में पैसा मिलेगा, क्या करने से पैसा मिलेगा, और पैसे के मूल्य पे सभी चीज को बेचने को तैयार है। पैसे तो नष्ट भी हो सकते हैं, दुष्ट कर्म में भी डाल सकते हैं, बच्चों को बिगाड़ सकते हैं, इसके इतने दुष्परिणाम, लेकिन शिव तत्व में बैठा हुआ मनुष्य उसको किसी चीज की इच्छा नहीं, निरिच्छ, क्योंकि वो आत्मन ने आत्मन अपनी आत्मा से ही वो अपनी उसकी आत्मा दृष्टि,
वो पहले आप सुला दीजिए, शरीर से कोई उसको चिंता नहीं हो, शरीर के आराम की उसको चिंता नहीं हो, कहीं भी सुला दीजिए उसको, कुछ भी खाने को दे दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। और फिर जब ये दशा आ जाती है तो वो सभी चीजों पर अधिकार करते, जैसे आपने ऐसे आदमी खाने को नहीं दिया, भूखा रखा, लेकिन वो एक नजर खिला दे तो हजारों आदमियों को खाना दे सकते, उनको शरीर को कोई आराम नहीं दिया, सोने के लिए उनके लिए पहाड़ों को सुला दिया, लेकिन उनकी नजर बाका इस पर पड़ जाए वो नजरदान से बच। अब ये कौन सी शक्ति है जिससे वो सबका कल्याण करते हैं, वो है परम चैतन्य, और उसका जो स्पंदन है जिसे कि शंकराचार्य ने स्पंद कहा, इस स्पंद की शक्ति उनके शरीर से बहती रहती है और जिस आदमी को वो छू जाती है उसी का कान हो जाता है, जिस भूमि पे वो पड़ जाती है वो भूमि बहुत ज्यादा फल फूल देने वाली बन सकती है, स्त्री पे पड़ जाएगी वो बड़ी सुबुद्धि वाली और बहुत यशदायी स्त्री हो सकती, जिस पर भी पड़ जाए उसका भला ही हो सकता। स्पंद ऐसी चीज है कि जिससे अच्छा ही आ सके, बुराई नहीं, कोई आदमी आपको मानने पाए उसका परिवर्तन हो सकता है, कोई आपको सताने आए उसको सुख भी आ सकता है। एक तरह की जो परिवर्तन की शक्ति इस स्पंद में है, ये बड़ी हमारे लिए समझने की बात है, इसलिए हर आदमी को आपको क्षमा कर देना चाहिए, आप क्यों उसका बदला ले रहे हैं, कोई जरूरत नहीं, आप सही हैं, ये स्पंद पे छोड़ दीजिए, इस वाइब्रेशन पे छोड़ दीजिए, ये सब समझते हैं सोचते हैं सब कुछ पूरी तरह से ऑर्गेनाइज कर, इस शक्ति को आपने प्राप्त किया, ये आप में से अव्याहत बह रही, इस शक्ति को आपने आजमाया, देखा कि इससे कितना फायदा होगा। अब जो लोग बुद्धि से इसको जानना चाहे वो नहीं जान सकते, लेकिन आप तो अनेक चमत्कार देखें, और ये कितनी प्रचंड शक्ति, इतनी ऊंची शक्ति है, कितनी बड़ी शक्ति है, जो कार्यान्वित है और आपको मदद करे और आप इसके अधिकार को प्राप्त हो रहे, उस वक्त हमें यही सोचना चाहिए कि अगर शिवतन होने से ही हमें हर एक चीज पर पूरे पर्यावरण पे आपका शिवतन चल सकता है। आजकल पर्यावरण का बड़ा भारी संकट संसार पे छाया है, जितने सहयोगी होंगे उतना पर्यावरण शुद्ध है, अपने आप शुद्ध है, इसके अधिकार पर अधिकार पथ पे आने के लिए सब पहले हमें ये कर लेना चाहिए कि अब हम मानव स्थिति में ही, हम अब दैवी स्थिति में आ गए, तो मानव स्थिति की जो हमारे अंदर गलतियां हैं, जो खींच है, उससे हमें छुट्टी मिलनी चाहिए, ये मानव स्थिति हमें खींचती है नीचे,
मानसिकी हमें खींचती है और बार बार हमारे ऊपर आक्रमण करता है। ऐसे ही हम जड़ से पैदा हुए, पहले तो आत्मा का था इस जड़ से ही रहा और अब भी यह जड़ता बीच में खींचा। अनेक तरह से इसीलिए पहले जमाने में तुमने बनाया था कि उपवास करो, फिर जमीन पे सो, संन्यास लो और द्वार छोड़ के भाग कर जाओ, हिमालय में रहो और मर जाओ क्योंकि किसी को कुछ खा नहीं खा रहे। पर सोचते थे लोग कि इस तरह के अनेक जन्मों में तपस्या करने से अंत में आत्म साक्षात्कार को बस। लेकिन आज का सहयोग ऐसा है जहां आप पहले अपने आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। मराठी में आदि कलश मरो पाया कि मंदिर का कलश बनाओ और फिर उसके फाउंडेशन को बनाए, क्योंकि अगर बहुत लोगों को प्यार कराना है और जिसकी जरूरत है, यही तरीका हमने ठीक समझा। और हिमालय में जाए बगैर, अपने शरीर में रहे पर छोड़े बगैर, कुछ ऐसी आंख उठाए बगैर ही आप लोगों ने आप साक्षात्कार को प्राप्त, ये तो बात ही है। और आपसे स्पंद बहने लगे, आपने स्पंद की शक्ति दिया, यह तक तो कुंडली ने काम कर लिया। अब आगे आपको काम करना है और वो काम क्या है, पहले तो अपनी ओर देखना। जब आप शीशा हो गए तो अपने शिष्य को, तो आप शीशा है तो आप अपने को देखिए, पहले अपनी ओर नजर कर लीजिए कि मैं अभी एक सर्वसाधारण मानव के जैसे रह, शराब छूट गई, सिगरेट छूट गई, अलिया मुंह से निकलना बंद हो गया और स्वभाव भी बहुत शांत हो गया, चेहरे पे भी मासूमियत आ गई, भोला आ गया, सब छोड़। लेकिन अभी क्या मैं अपने को देख सकता हूं? क्या मैं अपने को अपने मजे में रख सकता हूं कि मुझे मैं बोर हो जाता हूं? पहले किसी से देख लीजिए, आप बोर हो जाते हैं। क्या मैं अपने में मदद पाता हूं? मैं अपने ही से आनंद प्राप्त कर सकता हूं? और क्यों नहीं कर सकता, इस पर आप बुद्धि से विचार कर सकते। क्या है, मैं अभी इस चीज में अटकाऊंगा, अभी उस चीज में अटकाऊंगा, अभी उस चीज में अटकाऊंगा, और जिन चीजों में आप अटके उसमें अटकते जा रहे। अगर आप भोले हो तो अटके ही ना, कोई चीज आपको अटका ही नहीं सके। और जिन चीजों में आप अटक रहे थे वो आपको बांध ले और फिर से आप में वही मानवीय जीवन शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप उन चीजों को देखें, हाँ ये चीज हमें अटका रही है, ये हमारे अंदर एक चीज है, देखने से ही ये चीज मिल जाएगी, इसके और दृष्टि करने से ये चीज चलेगी। अगर हमें एक नए संसार बना, एक बहुत सुंदर ऐसी विश्वात्मा की इच्छा है, एक विशेष तरह की तैयार है, विशेष तरह के लोग तैयार है, ऐसे जन हो कि जो खालिस, इसके बारे में अनेक संसाधनों ने और सबने इच्छा की थी, वो अगर आपको करना है तो फिर ये जरूरी है कि आप अपने शिव तत्व को ठीक करें। शिव तत्व में आप जान लेंगे कि आप में अब भी क्या क्या चीज घुसी हुई। जैसे आजकल हिंदू मुसलमानों का झगड़ा, कोई हिंदू हो जाने से
शिव तत्व नहीं पाता, न मुसलमान होने से नहीं पाता, ना ईसाई होने से पाता है और नहीं कुछ होने से पाता है। ये सब बाह्य के आडंबर है। लेकिन जब आपके शिव तत्व प्राप्त होता है तो आप श्री राम को भी मानते हैं और आप मोहम्मद साहब को भी मानते हैं। मानते ही जैसे श्री राम की पूजा करते हैं ऐसे ही आप मोहम्मद साहब की भी पूजा करते हैं। जब तक आप शिव तत्व को प्राप्त नहीं होते आप इन धर्म के आडंबरों से निकल नहीं सकते हैं। आप कुछ भी उसमें बनाते रहे कि स्वभाव हो समभाव वगैरह कुछ नहीं चलते। अंदर से उनकी भी उतनी ही पूजा होनी चाहिए जितनी आप श्री राम। जो रहीम है वही शिव और जो रहमान है और जो अकबर है वही विष्णु। तब फिर ये अंदर की जो भावनाएं हैं ये ऐसी विकसित हो जाएंगी कि आपके अंदर से धन का सुगंध बहेगा, न कि वह मनस। पर ये चीज घटित होने के लिए मुझे तो सहयोग के सिवा कोई मार्ग नहीं। जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक लोग ऐसी पूजा करेंगे, क्या मुसलमान राम की पूजा करेंगे और क्या हिंदू मोहम्मद साहब की पूजा करेंगे? हम लोग तो करते हैं, मोहम्मद साहब की भी अली की भी फराबी की बुद्ध की महावीर की पूजा कर, क्योंकि ये सब पूजनीय है। हम कौन होते हैं किसी को बड़ा छोटा करने वाले? पर जब शिव तत्व के सागर में आप खुल जाते हैं तब आपको पता होता है कि ये सब शिव तत्व के ही अंग प्रत्यय और ये सब अपने ही है, हमारे ही अंदर। जब तक इस तरह से धारणा हमारे अंदर नहीं होती, हाँ हो सकता है सहजों का कार्य कुछ कम तेजी से चले और वैमनस से बहुत जल्दी चल सकता है, लेकिन सहजोग ठोस चीज असली चीज है। और ये जो बाह्य की चीजें हैं ये थोड़ी देर के लिए आई गई खत्म हुई मारा पीटी हुई सब कुछ। आश्चर्य की बात यह है कि प्रदेश में सहयोग इतने जोर से फैल रहा है, गहनता से भरा है, बड़े गहन लोग बहुत ही गहन। तो ध्यान करना रोज अपने और नजर करना बहुत ही गहन लोग हैं। इन लोगों से हमें सीखना चाहिए। आखिर इन्होंने तो कभी शिव जी का नाम भी नहीं सुना, ईसा मसीह के सिवाय इन्होंने शिव जी का नाम भी नहीं सुना, ये तो जानते भी नहीं थे। फिर ये इतनी गहनता में कैसे उतरे? हम लोग रोज ही सुनते रहते हैं, मंदिरों में जाके घंटियां बजाते हैं, मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ते हैं, चर्च में जाके प्रेयर करते हैं और सब ठन ठन गोपाल। और ये लोग जिन्होंने कभी मेरे ख्याल से भगवान को भी नहीं याद किया हो, इन लोगों में ये गहनता कैसे आ गई? रशिया के लोग एक गांव में 22,000 सहयोगी बैठे हैं रशिया में 22,000। तो ऐसे हम लोगों में कौन सी खराबी आ गई कि जिसके कारण हम लोग उस गहनता में नहीं उतरते? उसकी वजह ये कि रोज हम अपने को देखते नहीं, ध्यान नहीं। पहले अपने को देखना चाहिए, अपनी और नजर चाहिए। ये नजर इन लोगों में कहां से आई ये मैं नहीं बता सकती, इसको किस चीज ने उनके अंदर स्फुरित किया
और ये भी जानते हैं। लेकिन परिणाम रूप कर देखिए तो बड़े ही धन लोग कभी मुझसे ये नहीं कहेंगे कि हमारे पैसे का क्या होगा या हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे रिश्तेदारों का क्या होगा, बाप का माँ का, ये सब कभी नहीं। ये कि माँ मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या प्राप्त। और जैसे ही वो इस तत्व में आ गए उनके सारे प्रश्न आपके आप ही हल हो गए, क्योंकि शिव तत्व में शक्ति ही है कि वो सारे प्रश्न हल ही कर, उनके प्रश्न अपने आप ही हल हो जाए। वो कहते कि हम प्रश्न करने से पहले ही प्रश्न हल हो जाए। हमने कहा भाई तू उसका क्या, तो हो गया वहां मन क्या कैसे हो गए, भगवान की कृपा से ये भी हो गया वो भी हो। और जो लोग शराब पीते थे सब करते थे, क्या दुनिया भर की चीजें बेचारे करते थे, वो पता नहीं कैसे उस दलदल से निकल करके आकर किनारे पे बैठ गए। हम लोग अभी भी किसी न किसी चक्कर में थोड़ा घूमते ही रहते, इस चक्कर को खत्म करना चाहिए। आज शिवरात्रि के दिन विशेष कर अपने शिव तत्व को, वो आपको सारे गुणों से अलग कर देंगे। सारे शिव तत्व में ऐसे गुण है कि सहज में ही आपके अंदर धर्म आ जाए, सहज में ही आपके अंदर सुबुद्धि आ जाए, सहज में ही सारा ज्ञान आपके अंदर आ जाए, सहज में ही आप में माधुर्य आ जाए, सहज में ही कल्पता आ जाए। बच्चे कितने ही गुण सहज में आपके अंदर आ सकते हैं, लेकिन पहले ये जान लेना चाहिए नम्रता पूर्वक कि अभी हम उस तत्व पे उतरे नहीं और हमें उतरना है। और दूसरे ये कि सारी शक्तियां सहज में हमारे से रसपुटित होगी, सहज कुछ करना नहीं पे। इस तरह से हमें अपनी ओर देखना चाहिए कि अब मेरे पति नहीं सच होगा तो नहीं करने दो, मेरे बेटे नहीं सच कर करने नहीं करके जबरदस्ती छुपा नहीं सकते सहयोग की। ये तो आंतरिक चीज है, जिसको पाना है वही पा सकता है ना, तो नहीं करना तो मत करने दो। आप अपने को देखो, अपने को जानना, अपने को देखना, यही आत्म साक्षात्कार। फिर आपको देख करके लोग सहयोग में होते और इस परम तत्व को पाने के बाद आप लोग कितने शक्तिशाली हो जाएंगे कि न जाने कितने लोगों को आप परिवर्तित कर दें, ये संसार बदल दें। ये संसार बदलने की नहीं, मैं कहती हूं कोई कहेगा कि अगर डेमोक्रेसी हुई तो डेमोक्रेसी की ये खराबी है, खराबियां डेमोक्रेसी की नहीं, वो खराबी इंसान की है। इसको अब्राहम लिंकन ने सोचा कि सभी शिव तत्व पे बैठे, कोई सी भी चीज आप ले आओ वो खराब होनी ही, उसमें बिगाड़ आना ही हुआ क्योंकि तो उसमें बिगड़ने के तत्व है। जैसे हम लोग अचार बनाते हैं ना घर में, तो बहुत उसको सफाई करके धोकर सुखा करके ऐसा बनाते उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं रह जाए, कोई ऐसी चीज नहीं रह जाए अटक रहा हो। वैसे ही हमारा ऐसे लोग है ना, कोई सा भी आप समाज बनाओ, कोई सी भी आप चीज बनाओ, वो सब का यही होने वाला है क्योंकि उसके अंदर कीड़े, उसके अंदर दोष है,
जब तक मनुष्य के अंदर दोष रहेगा, ये जो भी चीज वो बने रहेगा उसमें दोष आना ही हुआ। थोड़े दिन चलता है, जैसे कहा काली जी ने इधर चलाया था तो थोड़े दिन चला, पर उनमें भी बड़े दोष, अजीब अजीब लोग तो जानते को भी, पर तो भी क्योंकि एक जोश था देश को स्वतंत्र करने का, ये करने का, वो करने का, चलो भाई लड़ पड़े। अब तो ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता मिलके हो क्या, खासकर मुझे तो वंदे मातरम पे बहुत दुख हुआ कि आपकी माँ की स्तुति किसी भी भाषा में, क्या मेरी स्तुति आपने जान कितनी भाषाओं में होती, को क्या बुरा लगना चाहिए। ये वंदे मातरम बड़ा भारी मंत्र है, इसको लेकर के ये देश स्वतंत्र। मेरे पिताजी झंडा लेकर के चले हाईकोर्ट को, गोली मारी, लेकिन खून बहता रहा, वो चढ़ के ऊपर गए और झंडा फहराया, वहां से एक नारा लगाया वंदे मातरम। हम लोग के सबके दी जो थे, इस तरह की चीजें इस देश में हो रही कि वंदे मातरम। अरे ये देश क्या है कुछ जानते नहीं, कुछ तो ये हो क्या रहा है, इसके लिए स्वतंत्र है देश क्या, सुना था तो जानते नहीं स्वतंत्र होगा। इस तरह से हमारे अंदर की जो गहन उदात्त भावना है, उन भावना को ही पाने वाले जो हृदय में प्रेम है और जो सबके प्रति एक आत्मीयता है, वो देने वाले शिव है जो हमें ऐसी शक्ति देते हैं कि हम अपने प्रेम को और अपनी आत्मीयता को एक बड़ी आह्लाददायी चीज समझे, एक तरह का आह्लाद, जैसे वंदे मातरम कहते ही जो एक आह्लाद हृदय में उठता है वो शिव तत्व से। आज शिव जी की स्तुति गाते हुए वही आह्लाद आप लोगों में, आपकी माँ की स्तुति कोई गाता है तो वही आह्लाद, ये शक्ति शिव हमें, इसीलिए आनंददायी उन्हें कहें। आनंद में बहुत सारे अंग हैं, आनंद में जो निरानंद है उसमें सिर्फ आनंद, उसमें बहुत सारी चीजें, आत्मानंद है और अनेक तरह के उसमें आनंद आह्लाद। लेकिन आह्लाद जो है ये हमारे भावना से जुटा, भावना से भावना में उभर, जो भावनाएं हमारे अंदर बंधी हुई है, जैसे कि एक फूल से उसका सुगंध मुखरित होता है, ध्यान की अवस्था बनाए रखते हैं।
जय श्री माता जी। श्री माता जी के श्री चरणों में हम प्रार्थना अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आपके श्री चरणों में समर्पित है। आज की अमृतवाणी में आपने जो ज्ञान हमें प्रदान किया, सामूहिकता आपकी ऋणी है। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमें ध्यान की गहनता, गहराई प्रदान कीजिए, जिससे हम सहज धर्म की गरिमा में रहे, ऊंचाई में रहे। श्री माता जी, हमें गतिशील, कृतिशील, सतर्क और स्वयं अनुशासित सहयोगी बनाइए, जिससे हम सहयोग फैलाने के प्रति हमारा उत्तरदायित्व निभा सके। कृपा कर हमें आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रेसर कीजिए। श्री माता जी, हमें भौतिकता के भ्रम से, कुसंस्कारों से दूर रखिए। हमारे अंदर निर्लिप्त साक्षी भाव प्रस्थापित कीजिए। श्री माता जी, इस ध्यान सत्र में अगर हमसे कोई गलती हुई हो, कृपा कर हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी प्रार्थनाओं का स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वादित कीजिए। आपके श्री चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी। कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं। आज सभी का दिन मंगलमय हो। आज का ध्यान सत्र अभी संपन्न होता है। जय श्री माता जी।